हाँ तो भाई लोग आ गए सब। तो जैसा कि दिसंबर चल रहा है और हमारे जो भी भाई लोग हैं जो 12th में हैं उनकी फेयरवेल आ रही है, तो सब कंफ्यूज होंगे कि क्या पहने फेयरवेल पे, क्या पहने। तो आज मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ कि आप फेयरवेल पे कैसा सूट पहन सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, तो देखते रहिए। तो टिप नंबर वन इज़, आप अगर गोरे हैं तो आप ब्लैक सूट पहनिए। ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि उससे आप लोग का गोरापन उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप ब्लैक सूट पहनिए। और जैसा कि नॉर्मल लोग करेंगे कि ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, तो आप पूरा ब्लैक सूट पहन सकते हैं। मैंने खुद अपने फेयरवेल पे पूरा ब्लैक सूट पहना था, तो आप ब्लैक सूट पहन सकते हैं। और टाई मत लगाइएगा, क्योंकि मोस्टली सब लोग टाई लगा कर ही आते हैं। तो अगर आप टाई ना लगा के अपनी ऊपर की 2 बटन्स खोल भी लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो ये रही हमारी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 इज़, चूज़ अ परफेक्ट कलर स्क्वायर पॉकेट। स्क्वायर पॉकेट आप लोग के कोट को और अच्छा बनाएगी। अगर आप लोग टाई लगाना चाहते हैं तो आप टाई से मैचिंग भी स्क्वायर पॉकेट ले सकते हैं, पर अगर आप डार्क कलर कोट पहन रहे हैं तो आप लोग एक लाइट कलर का स्क्वायर पॉकेट ले सकते हैं। मैंने खुद अभी एक वाइट कलर का स्क्वायर पॉकेट लिया है अपने ब्लैक कोट के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। चूज़ अ परफेक्ट लेंथ ऑफ योर पैंट्स। अगर आपकी पैंट बहुत लॉन्ग होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और जो आपके पैंट के जो ये पैंट के लेग्स वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए और बहुत नैरो नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें आप लोग को थोड़ा ऑड सा दिखाएंगी। तो ये जो ब्रॉडनेस होती है पैंट के लेग्स की, ये एकदम सही चूज़ करिए। और पैंट की लेंथ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एकदम स्ट्रेट पैंट और थोड़ी सी हाई एंकल लेंथ के साथ लोफर्स पहन लेंगे तो आप लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो एक टिप ये भी है, आप अपने पैंट की राइज बहुत सही सही चूज़ करिएगा। उससे अगर आप लोग अपनी राइज मतलब जो बटन से लेके जो जिप के नीचे तक का पूरा एरिया होता है उसको राइज कहते हैं पैंट की, जैसे कि ये पैंट की राइज है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इसको लेंगे, इसको सही चूज़ करेंगे तो आप लोग बहुत परफेक्ट दिखेंगे। अगर आप लोग छोटी राइज की पैंट ले लेंगे तो आप बहुत भद्दे से दिखेंगे, बहुत अजीब से। और अगर आपकी पैंट की राइज लंबी हो जाएगी तो आप लोग नाटे दिखेंगे छोटी हाइट के, इसलिए राइज एकदम परफेक्ट चूज़ करिए। टिप नंबर 4, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी बेल्ट और आपके शूज़ मैचिंग कलर्स के होने चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर वो अलग अलग कलर की होगी तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है और इसको नॉलेज में रखें। 5, आपकी शर्ट की बटन्स, बेल्ट और राइज तीनों एक लाइन में आनी चाहिए। ये भी टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप हल्के डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आप लोग लाइट कलर सूट पहन सकते हैं, बट चेक वाला सूट बहुत अजीब लगता है आजकल, क्योंकि बहुत बहुत कॉमन हो गया है, तो वो मत पहनिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी साइड से कि वो मत पहनिएगा, बहुत कॉमन है। तो आप लोग कुछ अलग कलर के सूट्स ले सकते हैं बट चेक में मत लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हल्के सॉलिड कॉम्प्लेक्शन के मतलब डार्क एंड बहुत डार्क भी नहीं बहुत लाइट भी नहीं, तो आप ग्रे कलर का सूट ले सकते हैं। ग्रे कलर का सूट, ऐसा ग्रे कलर का सूट आप ले सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं। और जो टिप मैं अब देने वाला हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप अपने फेयरवेल में अच्छा दिखना चाहते हैं तो आप अपनी बियर्ड और अपने हेयर्स को शेप्ड रखिएगा। मतलब अगर शेप में नहीं होगी तो बहुत अनटाइडी लगता है, तो आप अपनी बियर्ड और अपने हेयर्स को शेप में रख सकते हैं, उससे आप ना और भी अच्छे दिखेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि लोग नज़रअंदाज करते हैं। आप चाहे तो आप लास्ट मोमेंट पे जाके अपने हेयर्स या अपनी बियर्ड बार्बर के पास जाके सेट करवा सकते हैं, हेयर स्टाइल करवा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप अपने आप अच्छे लगेंगे।
आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।